सोट लेना हाथ में और देना इनके, जैसे 28 तारीख को किया था हमने कार्यक्रम। हमको दबाव डालना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा, एसडीएम का घेराव करना पड़ेगा, कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा, मंत्रियों का घेराव करना पड़ेगा, तब जाके काम होंगे, अन्यथा काम होने वाले नहीं है। काम कराने के लिए जनप्रतिनिधि की खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मैं क्षेत्र के लिए काम कराऊं। तीन तीन बार अगर विधायक बनने का मौका किसी व्यक्ति को मिलता है, उसमें तीन में से दो बार सरकार उनकी होती है, उसके बावजूद अगर काम नहीं होते हैं तो यह मान के चलिए कि हमारा जनप्रतिनिधि काम कराना ही नहीं चाहता है, उसकी मंशा ही नहीं है काम करने की। अन्यथा हारने के बाद अगर हम करा सकते हैं, हमारे राज का इस्तेमाल हमने पूरा किया, यहाँ पे काम की कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो जीएसएस हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे आपके यहाँ पे स्कूल क्रमोन्नत का कार्यक्रम हो, चाहे आपके यहाँ सड़कें निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे बांध बनवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वो आपके यहाँ पे बटाना के अंदर जो पीएससी हुई, 7 दिन के हमने पीएससी दी वहां पर, या हम लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर स्थापित किए रेवदर विधानसभा क्षेत्र में, कोई कसर नहीं छोड़ा हमने काम के लिए। इतने कामों के बाद भी अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, ये विचारणीय प्रश्न है। हम लोगों को अब जनता के बीच में जाना होगा और आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी क्षेत्र के अंदर जाकर के। अभी मेरे आदरणीय